एक ओर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं सिक्किम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गया है। सिक्किम की सत्ताधारी पार्टी एसकेएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से ही डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान में पार्टी के प्रतिनिधि लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसकी जिम्मेदारी खासतौर पर स्थानीय विधायक और पार्टी प्रभारी को दी गई है। इस दौरान विधायकों का एक और अहम रोल होगा। विधायक इस दौरान लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बारे में विस्तार से बताएंगे और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे। एसकेएम का ये अभियान 3 मार्च तक चलेगा। सिक्किम के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस गोले सर ने जिस प्रकार के वहाँ के नेतृत्व में सरकार चल रहे अभी 4 वर्ष होने को है, तो वहाँ ने सब एमएलए को हम लोगों को आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जिस प्रकार का विकास का काम हुआ है, डेवलपमेंट का हुआ है, और साथ साथ बुनियादी जो पब्लिक को चाहिए वो किस प्रकार से काम हो रहा है, और ये देखने के लिए सब पार्टी वर्कर्स को साथ साथ विधायक को, पार्टी फंक्शनरीज को और चेयरमैन साहब को, सबको साथ में पंचायत जो भी नया अभी अभी नया आए हुए उनके साथ विजिट करने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम सारे अपने अपने क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं। अब इसमें प्राय जनता का जो भी मांग है वो हम सुन रहे हैं। जितने भी काम हमने किया है, हमारा सरकार ने किया है, उसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहा है। ये सुनने में बहुत मजा आता है, और जिसका घर बनकर तैयार हुआ है वो देखकर भी हमको बहुत आनंद होता है, और जिसका जो भी अब बनाने वाले हैं, हम सिक्किम गरीब आवास योजना बनाने शुरू हुआ है, एक कंसेंसी में 200 घर के, इस घर के लिए हम विजिट कर रहे हैं।